टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। जीरे के दाम आने वाले दिनों में और बढ़ सकते हैं। जीरे की पैदावार में कमी के बीच एक्सपोर्ट की भारी मांग ने जीरे की कीमतों को पहले ही इस साल करीब 70% तक बढ़ा दिया है। बाजार के जानकारों का कहना है कि आने वाले महीनों में जीरा करीब 20-25% तक और महंगा हो सकता है। गुजरात के ऊंझा में स्थित देश की सबसे बड़ी जीरा मंडी में गुरुवार 19 मई को जीरे का हाजिर दाम 195-225 रुपए प्रति किलो की रेंज में था, जो पिछले साल इस समय करीब 140-160 रुपए के आसपास था। वहीं सफाई, ग्रेडिंग और पैकेजिंग के बाद रिटेल मार्केट में जीरा करीब 275-300 रुपए प्रति किलो के दाम पर बेचा जा रहा है। ऊंझा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के चेयरमैन के अनुसार मंडी में इस साल जीरे की आवक घटी है। हर साल औसतन 80-90 लाख बोरी मंडी में आती थी और एक बोरी में 55 किलो होता है, जबकि इस साल यह आंकड़ा 50-55 लाख बोरी तक ही रहने का अनुमान है। ऐसे जीरे के दाम अभी और बढ़ सकते हैं। उन्होंने आगे बताया कि पिछले 3-4 सालों से जीरे की कीमत 130-150 रुपए प्रति किलो की रेंज में बनी हुई थी। ऐसे में किसानों ने इस बार रबी सीजन में अधिक मुनाफे के लिए जीरे की जगह सरसों जैसी दूसरी फसलों की खेती करना चुना। इसके अलावा इस साल जीरे की फसल के लिहाज से मौसम भी अनुकूल नहीं था, जिसकी वजह से जीरे की पैदावार 25% से ज्यादा घटी है। इसकी वजह से जीरे के दाम में बढ़ोतरी दिख रही है। वहीं ऊंझा APMC के वाइस चेयरमैन के अनुसार अगर आगामी मानसून सीजन भी कमजोर रहता है तो इस साल की दूसरी छमाही में जीरे की हाजिर कीमत 300 रुपए प्रति किलो तक जा सकती है। बता दें कि जीरे की खेती अक्टूबर से दिसंबर में शुरू होती है और इसकी कटाई फरवरी से अप्रैल के बीच में होती है। गुजरात और राजस्थान जीरे की खेती के मुख्य केंद्र हैं। ऊंझा मंडी में लगभग 60% जीरा राजस्थान से आता है, जबकि 40% हिस्सा गुजरात से। राजस्थान के जोधपुर, नागौर, जैसलमेर में जीरे की खूब खेती होती है। वहीं गुजरात के साबरकांठा, बनासकांठा, सौराष्ट्र और कच्छ इलाके में इसकी खेती होती है। दोनों राज्यों के किसान और व्यापारी अपनी फसल बेचने के लिए ऊंझा मंडी में ही आते हैं। इस साल किसानों ने जीरे की खेती कम की है और इसकी जगह उन्होंने सरसों जैसे अधिक मुनाफा देने वाली रबी सीजन के दूसरी फसलों की खेती के लिए चुना है। एक अनुमान के मुताबिक गुजरात में इस साल किसानों ने 3 लाख हेक्टेयर से कुछ अधिक जमीन में जीरे की खेती की है, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 4.70 लाख हेक्टेयर था। राजस्थान में भी जीरे की बुआई का रकबा इस साल 20.25% कम रहा है। जीरे की खेती में मौसम का एक बड़ा हाथ होता है। मौसम में थोड़ा सा भी बदलाव इसकी पैदावार को घटा सकता है। पिछले कई सालों से जीरे की कीमत 150 रुपए से नीचे बनी हुई थी। ऐसे में किसानों ने इस साल जीरे की जगह कॉटन, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, धनिया आदि की खेती करने का फैसला किया। इसके अलावा इस साल मार्च में असमय बारिश से भी जीरे की पैदावार प्रभावित हुई है। जीरे की पैदावार कम रहने से इसकी मांग बढ़ी है। साथ ही इस साल विदेशों में एक्सपोर्ट को लेकर भी जीरे की मांग अच्छी ही है, जिसने किसानों को उनकी फसल के अच्छा दाम दिलाने में मदद भी की है। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।